हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रश्न उत्तर। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था, तो यहाँ पर ये कॉर्नर में आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ परिवर्तनों की लिस्ट है और उसमें आपने सामने लिखना है भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक। आपने याद रखना है भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, वही चीज़ होती है, बस उसका रंग रूप आकार बदल जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, पौधों की पत्तियों में बनता है ये, तो उसमें भोजन बनता है, उसमें नया पदार्थ बनता है, ग्लूकोज बनता है वहाँ पर। तो ये जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पर। ख, जल में शक्कर को घोलना, पानी में आपने चीनी घोल दी, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी और चीनी वहाँ वैसी की वैसी है। अगर आप फिर से अगर पानी को सुखा दें वाष्पीकरण करके तो फिर से आपको चीनी मिल जाएगी, तो ये इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कोयले को जलाना। जब आप कोयले को जलाते हैं तो उससे राख बन जाती है, पहले जैसा नहीं रहता वो कोयला, और साथ में गैस निकलती है वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है मोम को पिघलाना। जब मोम को पिघलाते हैं तो आप देखते हैं जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर से मोम जैसा ही बन जाता है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, फिर से पहले जैसा ही मिल रहा है हमें, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना। तो एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो बनानी है, उसको एल्यूमिनियम को पीटकर शीट बन जाएगी पतली, लेकिन रहेगा वो एल्यूमिनियम ही, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी, इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन। भोजन जब हम खाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये पिछले चैप्टर्स में, तो भोजन जो है उसमें नए नए अभिक्रियाएँ होकर नए नए पदार्थ बनते हैं, उसमें हमारे शरीर के अंदर जब जाता है वो पाचन होता है उसका, तो उससे जो है ग्लूकोज वसा उनका अलग अलग सबका पाचन होता है, तो वो नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। तो सत्य असत्य भी बताना है और जो गलत है उसको सही भी करना है। तो यहाँ फर्स्ट है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का लट्ठा लिया आपने लंबा और उसको छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये असत्य है क्योंकि टुकड़ों में काटने से लकड़ी तो लकड़ी ही रही, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो सही करके लिखना है इसको, तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो सही कथन इसका ये बन जाएगा, लकड़ी के लट्ठे के को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इसका नेक्स्ट है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से जब खाद बनती है तो वापस उससे पत्तियां नहीं मिल सकती, नई चीज बन गई, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये असत्य है। और सही कथन क्या बनेगा, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से सही करके भी लिखना है इसको आपने। नेक्स्ट है जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। तो हमने पढ़ा भी था कि पाइप में या लोहे का कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें जंग क्यों लगती है, क्योंकि वो जो है वो हवा और पानी के संपर्क में आता है। तो जिंक लेपित कर रहे हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं या शद लेपन भी कहते हैं, तो उसमें जो है वो हवा और पानी का संपर्क नहीं हो पाता है लोहे से, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, जहां भी लोहे में जंग लगी हो आप चेक करें, तो वो जंग एक अलग टाइप का पदार्थ होता है, एक नया पदार्थ बना है, रासायनिक परिवर्तन है ये, तो ये एक ही पदार्थ नहीं है, ये असत्य है। और इसको सही कथन क्या बनेगा कि लोहा और जंग दो भिन्न पदार्थ हैं या दो अलग अलग पदार्थ हैं। नेक्स्ट है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन, भाप बनती है पानी की, उसको आप जब ठंडा करते हैं दोबारा उससे पानी मिल जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, वही इन्होंने लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो खाली स्थान भरने, क है इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डालें, चूने का पानी जो होता है वो पानी की तरह साफ नजर आता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो वो दूधिया सफ़ेद रंग का हो जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो यहाँ आ जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन भी आएगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, डैश और डैश है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो अभी हमने देखा यशद लेपन, वो जिंक का लेपन कर देते हैं, और दो और सिंपल तरीके जो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वो पेंट करना और ग्रीस लगाना। तो ग्रीसिंग और पेंटिंग से भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में कौन से गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुण जो है रंग रूप आकार उसका आकृति, तो इनमें जब परिवर्तन होता है तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, डैश परिवर्तन कहलाते हैं। तो जब नए पदार्थ बनते हैं तो कौन से परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर खुद ही कि जब सोडा मिलाया नींबू के रस में, हमने ये उसके साथ सिरके के साथ भी किया था एसिटिक अम्ल में, तब भी बुलबुले बनते हैं। तो बुलबुले बन रहे हैं, गैस निकल रही है, नई चीज़ बन रही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। और इसकी आप अभिक्रिया लिख सकते हैं इस तरह से कि खाने का सोडा प्लस नींबू का रस, ये दोनों मिलाए तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। वो जो गैस निकल रही है, बुलबुले बन रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में और पदार्थ बन रहे हैं उसमें, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं तो दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी रासायनिक भी। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए, तो पहचान करनी है ये कौन कौन से परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर भौतिक परिवर्तन कहाँ हो रहा है मोमबत्ती में, तो मोम जो पिघल रहा है उसमें वो भौतिक परिवर्तन है, पिघल गया फिर उसके बाद ठंडा होकर दोबारा मोम बन जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन, मोम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ बन रहे हैं। मोम जब जलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पदार्थ उसमें बनते हैं, तो ये जो हो रहा है ये रासायनिक परिवर्तन है। एक और उदाहरण भी देना है इसका, तो एक अन्य उदाहरण हो गया भोजन पकाना। खाना जब पकाते हैं तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। उसमें आप खाने में पानी डालते हैं, पानी की भाप बनती है, वो भौतिक परिवर्तन है। खाना जो पक रहा है उसमें नए पदार्थ बन रहे हैं, वापस वो पहले जैसा कच्चा नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। इसी तरह से आप कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों तरह के परिवर्तन उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दही का जमना रासायनिक परिवर्तन कैसे है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है, पहले दूध होता है उससे दही बन जाता है, नया पदार्थ बना है वो उसका टेस्ट अलग होता है, और साथ ही इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, वापस पहले जैसा दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी जलाना और लकड़ी के टुकड़े काटना, ये दोनों अलग अलग टाइप के परिवर्तन क्यों हैं। तो लकड़ी का जलना जो है आप जानते हैं उसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये लिखेंगे हम, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं, कौन कौन से, राख कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि, तो ये बनते हैं उसमें, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। और लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो लकड़ी थी लकड़ी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, और कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पर पूरा लिखना है। सबसे पहले एक बीकर में हम थोड़ा पानी लेते हैं, उसमें फिर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, उसमें फिर उसको उबालना शुरू करते हैं, और साथ में उसमें कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है वो मिलाते हैं और हिलाते रहते हैं। कब तक, जब तक वो विलयन संतृप्त ना हो जाए। संतृप्त का मतलब जब तक और घुलना उसमें बंद ना हो जाए तब तक हम कॉपर सल्फेट उसमें घोलते जाते हैं। उसके बाद उसको फिल्टर करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लिखना है आपने, और साथ में नीचे लिख देना आपने कि इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो लोहे के गेट को अगर आप पेंट कर दें तो उसमें जंग क्यों नहीं लगता।
तो जंग दो वजह से लगता है वही लिखेंगे हम। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, दोनों चीजें चाहिए आपको, ऑक्सीजन भी और जल। जल मतलब हवा में नमी या पानी, जलवाष्प कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें अब मिलेंगी लोहे को, तभी उसमें जंग लगेगा। लेकिन पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से लोहा इन दोनों के संपर्क में नहीं आता। पेंट कर दिया तो लोहा जो है डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, इस कारण उसका जंग लगने से बचाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोहे का सामान होता है समुद्र के किनारे, उसमें ज्यादा जंग लगती है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम जंग लगती है, ये क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सेम पहली लाइन तो वही लिखनी आपने कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि नमी की आवश्यकता होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, समुद्र के किनारे की जो जगह है वहां पर हवा में नमी ज्यादा होती है, समुद्र की भाप होती है क्योंकि, तो उस वजह से नमी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। लास्ट लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन में से लिखनी है आपने, तो इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। मेन लर्न करने वाली यही चीज है आपको कि ऑक्सीजन और जल की वजह से जंग लगता है, तो ये दो चीजें बतानी है और यहीं से कई क्वेश्चंस के आंसर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं, वो होती है। सिलेंडर में LPG द्रव रूप में होती है, वो सिलेंडर को आप हिलाकर भी देखें तो आपको वैसे महसूस होगा जैसे कोई पानी लिक्विड जैसा है, तो वो द्रव अवस्था में होती है गैस। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसे कहा है परिवर्तन ए। फिर यही गैस जलती है, उसे कहा है परिवर्तन बी। दो तरह के परिवर्तन हुए, सिलेंडर के अंदर थी तो ये द्रव थी, उसके बाद फिर जब बाहर आई तो वो गैस बन गई, ये पहला चेंज हुआ परिवर्तन ए, और बाद में वो जो गैस है उसको आपने जलाया तो ये परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर परिवर्तन दिए हैं नीचे, उनमें से सही चुनना है। क है प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, ख प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ग ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, या घ इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन पहचानना है इसमें कौन सा है, पहला या दूसरा या दोनों में से कोई नहीं। तो पहला तो था कि गैस जो थी वो अंदर सिलेंडर के अंदर वो द्रव थी, बाहर निकली तो गैस, सिर्फ अवस्था बदली है, गैस गैस ही रही है, जैसी अंदर थी वैसी है वो बाहर है, कोई नई चीज़ नहीं बनी। लेकिन जब गैस को जलाते हैं तो उसमें नई चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा निकलती है, तो वहाँ पर नए पदार्थ बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रासायनिक परिवर्तन सिर्फ सेकंड वाला हुआ, परिवर्तन बी जो था, तो इसलिए ये जो प्रक्रम बी है ये रासायनिक परिवर्तन है, इसको आप टिक कर लेंगे और आंसर में भी यही लिख देंगे आप कि ख प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, ये परिवर्तन ए है। बायोगैस, जैव गैस या गोबर गैस भी कहते हैं, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एक बंद रख करके रख दिया जाता है, एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर डालते हैं, वो अपशिष्ट जो है वो जो है अपघटित होते हैं, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो अपघटित करते हैं उसको, तो गैस बनती है, वो बायोगैस कहलाती है, परिवर्तन ए हुआ। फिर जैव गैस को ईंधन के रूप में जलाते भी हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हम ईंधन के रूप में, तो वो गैस को जलाया तो वो परिवर्तन बी हुआ। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। फिर से सही कथन चुनना है, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ भी वही छांटना है फिर से, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो पहला क्या हुआ कि जैविक अपशिष्ट पदार्थ थे, गोबर था, उसमें सड़े गले पत्ते हो सकते हैं, जो भी अपशिष्ट होता है वो सब डाल दिया आपने, उससे गैस बनी, तो गैस बना तो वो नई चीज़ बन गई ना, तो वो भी रासायनिक है, और उसको जलाया, जलाने से भी नई चीज़ें बनती हैं, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, कि ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। आंसर भी आप ये लिख देंगे ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमने अभी देखे, इनको अच्छे से समझ के आपने नोट करना है, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको नोट करने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें इस वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।